हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा और एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हो कि आप सभी अच्छे होंगे। अभी सुबह का बज रहा है 8, मैं निकल चुका हूँ घर से। मैं आज जा रहा हूँ NJP। तो NJP जाते वक्त रास्ते में क्या क्या है वो सब आज आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ। तो बने रहिएगा वीडियो में, इसकी मत कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो ना भूलें। दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं गजलडूबा के तीस्ता ब्रिज में। आप देख सकते हैं ये गजलडूबा के तीस्ता ब्रिज है। उस साइड में देख सकते हैं नदी में काफ़ी पानी भर चुका है, दूर तक ही पानी नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं अभी मौसम भी ख़राब है, तो अभी हम जा रहे हैं आगे की तरफ। आगे की तरफ भी क्या क्या है वो आप लोगों को दिखाएंगे। दोस्तों ये तीस्ता ब्रिज पार होने के बाद ये जंगल आता है। यहाँ पे शायद कुछ हुआ है इसलिए इतना सारा गाड़ी रुका हुआ है। आप देख सकते हैं बहुत ही सारा गाड़ी है। तो आगे ले जाके क्या हुआ है वो आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ। पहले तो मैं जाके गाड़ी साइड लगा लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ है वो आप लोगों को मैं दिखाऊँगा। देख के तो लग रहा है कि गाड़ी एक्सीडेंट हुआ है। तो आप लोगों को गाड़ी साइड करके क्या हुआ नहीं हुआ वो मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं आगे के तरफ में। यहाँ पे कौन सा गाड़ी एक्सीडेंट हुआ वो आप लोगों को दिखाने वाला है। देख के तो लग रहा है कोई टीपर का एक्सीडेंट हुआ है। आप देख सकते हैं टीपर एक नदी में गिरा हुआ है। ये एक्सीडेंट कैसे हुआ नहीं हुआ वो सब आप लोगों को हम बताएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर दो क्रेन भी आ गया है टीपर को निकालने के लिए। अभी हम उस साइड से जाके आपको अच्छी तरीके से एक्सीडेंट कैसे हुआ है वो आप लोगों मैं दिखाने वाला हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं ये टीपर आधा ही चला गया है तीस्ता कैनल के अंदर में। आप देख सकते हैं यहाँ पे दो क्रेन भी है। तो प्रशासन की तरफ से जल्द हो ये टीपर को निकाल के रोड जो भी ब्लॉक हो गया है उसको क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं प्रशासन। आप देख सकते हैं दोस्तों मेरा जितने भी ड्राइवर भाई है सभी को हाथ जोड़ के गुजारिश है, गाड़ी चलाए एकदम सावधानी से चलाए, क्योंकि छोटे से गलती के वजह से बहुत ही बड़ा हादसा हो जाता है। इसलिए गाड़ी बहुत ही सावधानी और सतर्क से चलाए। आप देख सकते हैं यहाँ पे टीपर, तो यहाँ पे ड्राइवर का तो कुछ नहीं हुआ है, वो सेफ है। तो अभी मुझे भी लेट हो रहा है, तो फिर मैं भी निकल रहा हूँ यहाँ से NJP के लिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉक में।